नमस्कार, मैं डॉक्टर कौशल पवार और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वच्छकार समाज की आवाज। स्वच्छकार समाज की आवाज में आज हम बात करेंगे डिक्की के दिल्ली चैप्टर के प्रेसिडेंट मनोज कुमार जी से। चर्चा की शुरुआत करने से पहले जो ताजा खबर हमारे पास है वो ये कि पूरा विश्व कोरोना वायरस से आज भी संकट के दौर से पीड़ित है और गुजर रहा है। ऐसे में दिल्ली के द्वारा या दिल्ली की एजेंसी के द्वारा लक्ष्मी नगर ईस्ट जगतपुरी दिल्ली में वाल्मीकि बस्ती को गिरा देना, 56 घरों को दिल्ली की एमसीडी और पीडब्ल्यूडी ने जो तोड़ दिया है, ऐसे में हमें थोड़ा सा शायद ठहर कर सोचने की जरूरत है, संवेदनशील होने की जरूरत है। हम सब जानते हैं कि आज जिस तरीके से दिल्ली कोरोना से पीड़ित है और ऐसे में किराए के मकान ढूंढ पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी एक विडंबना है, बहुत मुश्किल हालात है। ये 56 परिवार कैसे और कहाँ जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल आज खड़ा करता है एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो तोड़ दिया गया। मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी में किया गया निर्णय है, असंवेदनशीलता है, असंवेदनशीलता है। मैं स्वच्छकार समाज की आवाज से इसका विरोध करती हूँ और ये दिल्ली सरकार से भी ये मांग हमारी रहेगी स्वच्छकार समाज से कि वाल्मीकि समाज के घरों को तोड़ दिया गया है जिनको, उनकी तुरंत रहने की व्यवस्था दिल्ली सरकार करे। जैसे कि आप जानते हैं आज का जो हमारा विषय है स्वच्छकार समाज उद्यमिता की ओर, पिछले दिनों आप जानते होंगे कि हमने बातचीत की थी दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के फाउंडर चेयरमैन पद्मश्री मिलिंद कामले जी से, और आज हम बात करेंगे दिल्ली चैप्टर के प्रेसिडेंट डिक्की के प्रेसिडेंट मनोज कुमार जी से। मनोज कुमार जी, स्वच्छकार समाज की आवाज में मैं तमाम दर्शकों के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जय भीम बोलती हूँ, स्वागत करती हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब, जय भीम, धन्यवाद आपने मुझे अवसर दिया जी। बहुत आभार, आपने इतना कीमती समय हमारे बीच में निकाला। मैं मित्रों सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम बार बार इस पे जोर देते हैं कि स्वच्छकार समाज, वाल्मीकि समाज, सफाई कर्मचारी ना हो, झाड़ू का काम ना करे और तमाम दूसरे पेशों को अपनाए, लेकिन हम विकल्प उनको नहीं दे पाते। हम सब जानते हैं कि बैजवाड़ा विल्सन जी ने लगातार इसके ऊपर काम किया था सफाई कर्मचारी संघ के माध्यम से, और उन्होंने तमाम इसके ऊपर मुद्दों को उठाया, पूरे विश्व पटल तक वो लेकर गए और उनके तमाम फैक्ट फाइंडिंग की टीम्स थी जो बार बार उनके फैक्ट जो थे निकल के आते थे वो ये थे कि बहुत सारे ऐसी महिलाएं ऐसे घर रहे जिन्होंने झाड़ू के काम को, मैला ढोने के काम को छोड़ दिया और उन्होंने दूसरा पेशा अपनाना शुरू किया। लेकिन सवाल फिर भी वही खड़ा रहा और वो ये कि जिन पेशों को छोड़कर वाल्मीकि समाज, स्वच्छकार समाज दूसरे काम करने में लगता है तो उसको ये समाज संकीर्ण मानसिकता और जो व्यवस्था को यूं का यूं बनाए रखना चाहते हैं उनको दूसरे पेशे अपनाने ही नहीं देता। एक छोटा सा उदाहरण मैं बिल्कुल जरूर शेयर करना चाहूंगी, पानीपत की एक जिक्र मैं करूंगी। एक महिला ने मतलब पूरे परिवार ने मैला ढोने का काम छोड़ा, सफाई कर झाड़ू उठाने का काम छोड़ा और उन्होंने दूध बेचने का काम शुरू किया। लेकिन जैसे ही वो दूध बेचने का काम करना शुरू किया किसी ने भी उनके उससे दूध नहीं खरीदा, उन्होंने दूसरे गांव में जाकर दूध बेचना शुरू किया, लेकिन वहां पर भी वह इतना गुजारा नहीं कर पाए कि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, दोबारा उसको उसी काम में लौटना पड़ा। हम बार बार ये सवाल करते हैं कि हम एक एक चाहे यहाँ निर्मल भारत अभियान चला हो सरकारों के द्वारा या स्वच्छ भारत अभियान चला हो सरकारों के द्वारा, तमाम एजेंसीज भी बहुत संवेदनशील तरीके से इस मुद्दे पर बहुत संवेदनशील तरीके से सोचने पर मजबूर हुई और उन्होंने कुछ डिसीजन भी लिए। हम सब जानते हैं 2013 का जो एक्ट है जिसमें इरेडिकेशन ऑफ मैनुअल स्कैंजिंग का पूरा एक्ट बना, उसमें भी तमाम तरह की चीजें रखी, पुनर्वास की सुविधाएं उनको प्रावधान करने का उसमें गुंजाइश रखी और भी तमाम जो किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी व्यवस्था में परिवर्तन उस तरीके से नहीं आ पाता। तो हमारे सामने ऐसे में आता है एक तुरंत जो चल रहा है पूरे देश में, पूरे विश्व में, जो डिक्की के नाम से फेमस है, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो चल रहा है डिक्की के नाम से, जो फेमस है, जो जिसकी स्थापना ही 14 अप्रैल में की गई, लगभग जो तमाम देशों में तो काम करता ही है, 25 राज्यों में काम करता है, विदेश में भी 8 राज्यों में काम कर रहा है, दिल्ली में भी डिक्की बहुत अच्छा काम कर रही है, जिनके साथ चर्चा के लिए हमारे पास आज जो व्यक्तित्व मौजूद हैं वो हैं प्रेसिडेंट डिक्की के।
सर मैं आपसे ये सीधा सवाल ये जानना चाह रही हूँ कि ऐसे में जो हम बार बार एक एक ऑप्शन की तरह हम लेकर आते हैं कि आप जो झाड़ू का काम है उसको छोड़िए या उसको टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाइए या उसको एक तरह से मैकेनिज्म डेवलप कीजिए, उसको इंडस्ट्री की तरफ लेके जाइए, जैसे बाटा का था, मोची जो था जूता गाँठने का जो काम करता था, उसके बाद कितना डेवलप हुआ उद्योग, तमाम तरह के इंडस्ट्री लगाएगी, बल्कि दूसरे लोगों के द्वारा लगाएगी, ना कि एक तरह से दलित समाज के द्वारा लगाएगी। ऐसे में जब हम देखते हैं कि डिक्की हमारे सामने एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम एक तरह से इस पेशे को मशीनीकरण की तरफ लेके जा सकते हैं, उद्यमिता की तरफ लेके जा सकते हैं, और वो जो एक एक थोपा गया जो एक पेशा है उससे हम थोड़ा सा निजात की तरफ बढ़ते हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे है कि आप डिक्की के प्रेसिडेंट हैं, आपके विस्तार से हम जानना चाहेंगे आपके सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है, तब हम चर्चा को आगे बढ़ें। धन्यवाद डॉक्टर साहब जी, बहुत बहुत जी। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज आपका शाम को फोन आया और मुझे मौका मिला यहाँ आने का। मैं इसके लिए तो मैं आपको रोकना चाहती हूँ, मैं तमाम दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि सर से आज ही मैंने बिल्कुल अधिकार से बात की हमारे साथ टेक्निकल, क्योंकि टीम कोई ऐसी बड़ी टीम नहीं है, हम एकमात्र मैं हम लोग ही अकेले मिलकर काम कर रहे हैं, तो कुछ मिस्टेक्स भी हमारी हो जाती हैं। हम मेरे पास जो कॉन्टैक्ट नंबर था वो नाम से तो किसी और से था, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने जो सेव किया वो किसी और का किया गया, और जबकि हमें हमें परसेप्शन ये था कि हम आपसे लगातार बात कर रहे हैं और हम लगातार सारी चीजें की, मैंने आपने देखा होगा कि हमने फेसबुक पे भी उसको चेंज किया फिर, और आपने इतने जल्दी समय में, आपका आभार मैं विशेष रूप से और तमाम मेरे मित्रों की तरफ से ये कहूंगी कि आपने इतने समय में तुरंत मुझे टाइम दिया, स्वच्छकर समाज आपका आभार व्यक्त करता है। नहीं, यही समाज है और एक दूसरे के साथ काम, अपनापन है आपका, बड़ापन आपका, स्नेह है डॉक्टर साहब के, बनावटी चीजें होती है ना उनमें टाइम लगता है, नेचुरल चीजों पे टाइम नहीं लगता है। थैंक यू सर। जो जो डिक्की करती है, जो हमें सीखा है माननीय आदरणीय डॉक्टर मिलिंद तांबले साहब से, जो मैंने सीखा है वही चीजें हम आगे बताते हैं, और ये मेरा सौभाग्य कि डिक्की में जुड़ने का मौका मिला, बिकॉज हम लोग जिस पृष्ठभूमि से, मेरा नाम मनोज कुमार बाल गुहेर है, मैं वाल्मीकि समाज से ही बिलोंग करता हूँ, छतरपुर दिल्ली का एक छोटा सा गांव है वहीं से बिलोंग करता हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और उसके बाद डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद प्राइवेट जॉब बहुत सारी की, काम करते रहे इधर उधर, तो कहीं ना कहीं एक मौका मिला कि, क्योंकि जो हालात आप देखते हैं जिन बस्तियों में, जिन जगह हमारे समाज के लोग रहते हैं, तो एक्चुअली एटमोसफेयर का बहुत बड़ा फर्क होता है, और आप एटमोसफेयर फर्क ऐसे समझिए जैसे कोयले की बोरी में अगर आप चीनी भी डालेंगे तो वो भी काली हो जाती है, तो संगत का बहुत बड़ा असर होता है। तो हमने वो सारी चीजें देखी, लेकिन उसका पॉजिटिव इफेक्ट ये पड़ा कि हमको वैसा कुछ नहीं करना है जैसे जनरली लोग ड्रिंक करके पड़े रहते हैं या कुछ करते हैं, वो सारी चीजों से हटके कुछ अलग करना था, और जो मौका मिला एंड मैंने डिप्लोमा करने के बाद जब जॉब की तो 1200 रुपये से काम करियर शुरू किया, लेकिन जॉब में वो सब चीजें नहीं हो पा रही थी जो हमने, क्योंकि हम भी एक गरीब फैमिली से, मेरे फादर साहब जो है क्लर्कल जॉब में थे इंडियन एयरलाइंस में, और छोटा सा काम करते थे, परिवार में चार हम भाई और एक बहन थे, तो एक जॉइंट फैमिली में खर्चे भी वैसे होते थे, तो लेकिन मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी, और घर में कोई इतना पढ़ा नहीं था तो बहुत प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिली थी, बस कुछ बाबा साहब की कृपा से, आप जैसे लोगों के आशीर्वाद से हम यहाँ तक थोड़ा पहुंचे। तो फिर एक डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट हमको मिला 1998 में, और वहां से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। उस टाइम पे भी जो बाकी लोग थे वो यही कहते थे कि भाई ये क्या सब बेचने का काम है, तेल साबुन बेचने का काम है, लेकिन हम लगे रहे, और 2015 में मुझे पता लगा, किसी ने बताया कि भाई एक संस्था है डिक्की, मेरी फैक्ट्री है फरीदाबाद में जहाँ पर हम आयुर्वेद के प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं, और दो कंपनी है मेरी, एक यूनी आयर के नाम से है और प्राइवेट लिमिटेड, जो अक्रॉस द कंट्री हम अपने ब्रांड को ही प्रमोट करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये चाय हमारा अपना ब्रांड है, और ये इस तरह के 90 प्रोडक्ट हैं जो हम मार्केट करते हैं जी, और जी और खुद का मैन्युफैक्चरिंग है आयुर्वेद के जितने भी, अभी जो आप इम्यूनिटी की बात करें कोरोना के टाइम पे तो गिलोय से लेकर और जितने भी आप जड़ी बूटी का नाम लेंगे वो सब कैप्सूल और जूसेस हम बनाते हैं और दुनिया भर में सप्लाई भी कर रहे हैं। तो डिक्की के लिए मुझे वहीं पे किसी ने बताया कि आपको 1500 रुपए का टिकट लेना है और एक मीटिंग है,
तो 2016 के अंदर ये प्रधानमंत्री सर मैं बीच में आपको टोकना चाहूंगी जी। क्योंकि मैं समझना चाहती हूँ, पूरा पूरी तस्वीर समझना चाहती हूँ दिल्ली की और खासकर दिल्ली की। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको जिस समुदाय से आप आते हैं वाल्मीकि समाज से, वहाँ ऐसे परंपरागत जो पेशे हैं या पढ़ाई लिखाई जो हम लगातार जिसके ऊपर चर्चा करते हैं उसको छोड़ के आप बिजनेस की तरफ बढ़े? ऐसा कारण था, जैसे बचपन में मैंने देखा था, एक टाइम ऐसा था कि घर में जो मदर है वो बाहर काम करने जाते थे, दूसरों जैसे कोठी वोटी होती थी तो इनमें काम करने के लिए जाते थे, और हर चीज के साथ कंप्रोमाइज। जब भी हम किसी चीज को, मैंने देखा था समाज में जो दूसरे लोग रहते हैं उनके पास सब फैसिलिटीज हमने देखी, तो बड़ी तमन्ना थी कि हम भी अपने सपनों को पूरा करें। पर जैसे बाहर निकले थोड़ा सा, जब हम ग्रेजुएशन के बाद, तो एक्चुअल क्योंकि पढ़ाई के दौरान कुछ और लाइफ होती है और पढ़ाई के बाद कुछ और लाइफ होती है, क्योंकि आप जब छोटे बच्चे होते हैं तो आप सिर्फ हवाई जहाज की बात करते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो आपसे डिग्री डिप्लोमा नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा जाता है कि आपको आता क्या है। तो हमने काम सीखने के लिए बहुत काम किया, मैंने स्पोर्ट्स में भी जाने की कोशिश की, तो उस टाइम पे ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के हमने स्पोर्ट्स किया, मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट किया, लेकिन वहां पर भी पैसे ही बीच में रोल आया। तो जब देखा कि हर जगह पैसे की जरूरत है, और हमारे फादर साहब ने हमको पढ़ाया, मैं तो थैंक्स कहना चाहूंगा कि ऐसे पेरेंट्स सबको मिले, बट कभी भी जब हम कुछ बात कहते थे शौक पूरा करने की तो कहते थे भाई खुद अपने पैरों पे खड़े होइए और खुद कमाइए तो अपने शौक पूरे कीजिएगा। तो मैं घर में छोटा होने की वजह से लाड में जरूर था, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ रहा था तो सब लोग मेरी रिस्पेक्ट भी करने लगे। तो जब ये बिजनेस का, जैसे मैं मॉडल में आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन है, खासकर से हमारे समाज के अंदर क्या दिक्कत आती है, एक तो एजुकेशन का तो अभाव है ही है, क्योंकि पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च नहीं करते जितना छठी बर्थडे या फिर शादी में पूजने में कर देते हैं, तो इसलिए वो पढ़ाई के लिए पैसे नहीं निकलते थे। तो हम जैसे तैसे पढ़े, पासिंग बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे लेकिन ठीक है, कम से कम डिग्री डिप्लोमा तक तो पहुंचे। तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं एजुकेशन, बाबा साहब को भी, जब बचपन की मैं अगर आपको बात बताऊं तो बाबा साहब एक पर्टिकुलर किसी और कम्युनिटी में ही गिने जाते थे, हमारे लोग उसको मानते भी नहीं थे। तो हम जब पढ़े, हमने देखा बाबा साहब को और स्टडी किया, तो तब जाना कि भाई बाबा साहब की वजह से आज सब कुछ हो पा रहा है और जो सब कुछ है हम। तो बिजनेस जो मॉड्यूल था, जो इकोनॉमिक, बाबा साहब का भी एक ही फंडा था कि भाई इकोनॉमिक स्ट्रांग हो हम इकोनॉमिकली, तो इकोनॉमिकल कहाँ से होंगे आप? तो जो मेजर प्रॉब्लम आती है आपकी, पहले के एक्सपीरियंस नहीं है। हम लोगों को बचपन से तैयार किया जाता है कि भाई आपको या तो एमसीडी में जॉब लग जाएगी या फिर वो मंथली चलता है उस पे आ जाएगा एक सिक्योरिटी, ज्यादा से ज्यादा थाने में, पुलिस पुलिस में या आर्मी में चले जाऊंगे। जी जी, तो हमारे लोग रिस्क लेना नहीं चाहते कि बिजनेस में। तो मैं बचपन की आपको बात बताता हूँ, मेरी दीदी ने मेरे को एक बार 1 रुपया दिया, और उस टाइम पे 1 रुपए में क्या आता था, वो आपको याद हो तो फंटूस की वो आता था पैकेट पूरा। तो मैं दादाजी के लिए एक रूम बना था घर के बाहर, तो पता नहीं क्या हुआ अचानक, मैं बहुत छोटा हुआ करता था, तो मैंने वो पैकेट जो है 2 रुपए में बेच दिया, ऐसे खुला एक एक करके, ऐसे 10 पैसे 5 पैसे में। तो दीदी ने 2 रुपए और दिए, तो फिर मैं वो रंग बिरंगी कलरफुल गोलियां आती थी 50 पैसे में बहुत सारी, तो मैंने वो रखी। तो ऐसे करते करते शाम तक हमने जो है 10-15 रुपए कर लिए थे 1-2 रुपए से बेच बेच के। तो पिताजी को पता लगा, वो जेब आए थे जॉब से, तो उन्होंने तुरंत जो है मेहरोली लेके गए हमें, और कुछ 15-20 हजार का 16 हजार का सामान लिया, और वो दुकान चल दी। आज भी वो दुकान चलती, मेरे बड़े भाई बैठते हैं उस पे। बहुत बढ़िया, फाउंडर आप हैं लेकिन उसके जी, जी, बहुत अच्छे, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। जी, स्टूडेंट थे तो सबसे छोटा था, तो सबका कहना मानना पड़ता था, तो सवेरे मेहरोली मार्केट गए, सब्जी वब्जी लेके आए, तो वो तरीके पता लग गए कि बार्गेनिंग कैसे होती है या कैसे कब करते हैं, वो सब करते करते धीरे धीरे फिर बिजनेस का इम्पोर्टेंस पता लगा। और हमने देखा है कि 4 या 5 दुकानें गांव में होती थी, उसे बाजार कहते थे पहले, और आज उन लोगों की मेन रोड पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम उनके हैं, बड़ी बड़ी चीजें उनकी हो रही हैं, क्योंकि उनकी जो जनरेशन थी वो उनको बताने के लिए वहां पर बैठी होती थी। बट हमारे यहाँ फर्स्ट जनरेशन बिजनेस है, तो हमको मालूम ही नहीं कि बिजनेस होता कैसे है। फिर कहीं ना कहीं अभाव एक्सपीरियंस का और पैसे का, क्योंकि इतना पैसा नहीं होता कि भाई आप बिजनेस में रिस्क ले सकें, या कहीं से आपका रेंट आ रहा है कुछ आ रहा है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग में जब मैं 98 में आया, तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसमें बगैर पैसे के आप ज्यादा कमा सकते हैं, तो हमको भी ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। तो जब हमने काम शुरू किया,
तो इवन घर में ही फादर साहब ने कहा कि भाई तुम तेल साबुन का काम करोगे बेचने का, ये कोई इंजीनियर को शोभा थोड़ी नहीं देता है। लेकिन मैंने देखा इंजीनियरिंग में 2,500-3,000 रुपए की नौकरी मिलती है प्राइवेट में। और दिल्ली जैसे शहरों में एक और प्रॉब्लम आती है कि अगर बिहार से यूपी से एक इंजीनियर आपसे बड़ी डिग्री लेके आ जाता है और वो आपसे कम में काम कर लेता है, तो अब फिर आप डिप्लोम चाहिए हैं तो डिप्लोमा डिग्री वाला काम कर रहा है तो फिर आपको भी देखना है। तो खैर हमने जो काम किया बहुत शिद्दत से किया, वहां पर अच्छा काम किया। और फिर उसके बाद बिजनेस थॉट आई कि समाज में एक तबका ऐसा भी होना चाहिए कि हम भी व्यापार कर सकते हैं। और व्यापार की तरफ जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में गया तो मैं एक कंपनी है उसके अंदर मैंने पहले सबसे पहला मैं क्राउन प्रेसिडेंट एक लेवल होता है वो अचीव किया वहां पर। फर्स्ट मर्सिडीज मैंने ली वहां से, तो वो एक अचीवमेंट हुआ, तो उससे और कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपका पीछे से स्ट्रांग नहीं होता है तो आपको चीजें रुकावट डालती हैं। तो तब फिर मैंने जाके अपना काम शुरू किया ना 2008 में। और जब काम शुरू किया तो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हाथ साथ में जोड़े, पार्टनर जोड़े, क्योंकि हम लोग क्या है कि हम इमोशनली बहुत अटैच हो जाते हैं, बहुत जल्दी विश्वास भी कर लेते हैं, और पैसा ना होने की वजह से हमको कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आपके साथ जोड़ना पड़ता है। बट ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस के आप काम बेचना एक अलग चीज है, मैनेज करना एक अलग चीज होती है। तो हमने वो 4 साल 5 साल काम किया, तो उसमें 4-5 पार्टनर थे, काम मैं ही करता था, अच्छा चला, लेकिन उसमें 2-3 करोड़ का नुकसान हुआ। और उसके बाद फिर तजुर्बा ये था कि फैक्ट्री मैंने लगाई थी, तो फैक्ट्री में भी क्या होता है कि आप सोचिए जड़ी बूटी को लेने से धोने से और उसके बाद कौन सी क्वालिटी के आप ले रहे हैं, फिर उसको पूरा पैक करके लोगों के मुंह तक डालने के लिए, मतलब वो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो फिर भी हमने मेहनत की उसको, और क्योंकि ब्रांड हमारा अपना था तो बेचने की हमें प्रॉब्लम नहीं थी, हमने काम किया और उतार चढ़ाव बिजनेस में आते रहे। उसी दौरान मुझे मौका मिला कि मुझे किसी ने एक मैसेज भेजा कि एक फंक्शन है जिसमें प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और डिक्की के बारे में पहली बार सुना। तो जब डिक्की के बारे में सुना तो मैंने जब उस वेबसाइट पे देखा तो मुझे इतना खुशी हुआ कि यार हमारे समाज के लोग, मतलब दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे कि नाम करता है, तो मैंने कामले सर को सुना, नारा सर को सुना। तो जब मैं गया था वहां पे, डॉक्टर साहब आप समझ यकीन मानिए लाइन में लग के लोग ले रहे थे और मैं किसी को नहीं जानता था। जी और 1,500 रुपये मैंने दिए, तो 1,500 रुपये सिर्फ इसलिए कि देख के आते हैं क्या होता है। जब वहां पर गए तो मैंने देखा कि पीएम साहब, जब मोदी साहब वहां पर बोल रहे थे स्टेज पे, तो वो हमारे समाज के जो 2,500 लोग थे विज्ञान भवन के अंदर, उनमें से आधे से ज्यादा लोगों के नाम ले लेके संबोधित कर रहे थे। तो वो मेरे को बहुत टची रहा कि आज समाज के लोगों ने इतना बड़ा काम किया है कि एक देश का प्रधानमंत्री उनके नाम से उनके काम की बखान कर रहे हैं। तो तब मैं उस दिन से डिक्की का हो गया। और उसके बाद दिल्ली में जब हमने देखा तो दिल्ली में डिक्की काम करना चाह रही थी, लेकिन दिल्ली में इतना, क्योंकि दिल्ली में सारी सरकारें बैठती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे है, तो ये लोग पुणे से आते थे, हैदराबाद से आके काम करते थे, तो यहाँ पर कहीं कोई पानी पिलाने की भी जगह नहीं थी, होटल्स में रुकना कुछ करना। तो जो भी लोग पुराने थे, मैं ये नहीं कहता उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन उस लेवल पे नहीं किया कि जिस लेवल से हम घर घर तक पहुंच पाते। तो मेरे को जब मौका मिला उस मीटिंग के बाद, जहां जहां फंक्शन होता था मेरे कैसे रिकॉग्नाइज किया कि जहां भी डिक्की की मीटिंग हो रही है, गोवा में हो रही है, हैदराबाद हो रही है, चेन्नई हो रही है, तो मैं क्या करता था, मुझे मैसेज मिलता था, ग्रुप में मुझे ऐड कर लिया गया था, मेंबरशिप मैंने ले ली थी, तो मैं जब भी कहीं पे मीटिंग होती तो जाके वहां पर बैठ जाता अपने पैसे से। जैसे गोवा गए तो आप समझते हैं कि 15,000-20,000 रुपये आपके खर्च होने हैं जाके, लेकिन मैंने कहा यार समझना बहुत जरूरी है कि ये लोग हैं, क्योंकि आप जिस संगत में रहते हो इन लोगों के साथ जुड़ना था। तो मैं जब भी जाता तो वहाँ इंट्रोडक्शन एक पार्ट होता है डिक्की में, बहुत अच्छा है कि आप कहीं से भी आए हैं तो आप अपने बारे में बताएंगे कि आप कहाँ से आए और क्या। तो मैं जहां जहां गया साउथ इंडिया में जो मीटिंग्स अटेंड की, तो जब मैं बोलता था कि मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं दिल्ली से आया हूँ, तो सबकी नजरें होती थी कि यार हम दिल्ली में जाके लोग ढूंढ रहे और कोई बंदा है जो दिल्ली से आके ये अपने पैसों से खर्च कर रहा है मीटिंग। तो मुझे कामले साहब से मिलने में कम से कम 3 साल लगे, क्योंकि मतलब बड़े हैं वो और हमारा कोई लिंक भी नहीं था डिक्की में घुसने का बहुत ज्यादा। तो जब इन्होंने देखा तो मुझे कांटेक्ट किया गया। फिर दिल्ली में जब रवि कुमार नर्रा सर आए तो एक बार इन्होंने आजमाने के लिए मेरे को बोला, करीब आप लगा लीजिए YMCA में कनॉट प्लेस, मैं छतरपुर में रहता हूँ, तो डांस हमारे नॉर्थ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं संजीव डांगी जी, उन्होंने फोन किया कि मनोज जी आपको 6 बजे जो है YMCA में आना है। अब 6:15 बज रहे थे और 6 बजे मुझे YMCA पहुंचना था, तो मैंने कहा अर्जेंट, तो मैं कुछ नहीं पूछा, मैंने कहा सर ठीक है आई विल बी देयर। और मैं जब घुस रहा था तो वो घड़ी देख के रवि कुमार नरा जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं,
पद्मश्री अवार्डी हैं, उनको बता रहे थे कि एज द गाय, ये वो बंदा है कि मतलब आपने 6 बजे बोला तो 6 बजे मैं वहां हाजिर था और पहली बार में उनसे मौका मिला। तो फिर एक प्रोजेक्ट उन्होंने मुझे बताया कि दिल्ली सरकार के साथ मिलके, क्योंकि ऑलरेडी जैसे कामले सर ने आपके लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि वहां पे जो गाड़ियां चल रही है मैनुअल स्क्रैंजिंग को खत्म करने के लिए, वो सेम प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉमन एक प्रोजेक्ट था जिसपे दिल्ली जल बोर्ड के साथ मिलकर करना था। तो वो रेगुलर यहाँ पे आते थे तो मैं उनको सर को असिस्ट करता था, होटल्स में वो रहते थे, बहुत मेहनत उन्होंने की इस पूरे उसको प्रोजेक्ट को बनाया। तो जब उनके साथ रहने का मौका मिला, उनकी सानिध्य में मैंने देखा कि ये लोग इतना मेहनत कर रहे हैं समाज के लिए, तो बहुत सारे अड़चने उसमें आई क्योंकि प्राइवेटाइजेशन इतना है और दिल्ली जल बोर्ड में कुछ एक प्राइवेट जो कॉन्ट्रेक्टर थे जो जो सालों से उनकी जड़ें जमी हुई थी। मनोज सर मैं आपको टोकना चाहूंगी यहाँ। जी दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा जो उस वक्त मेरे ख्याल से राजेंद्र पाल गौतम जी को देख रहे थे, जी जी, तो उसके बाद मेरे ख्याल से 300 के आसपास मशीनें खरीदे थे, शायद 200 200 200 या 300 कुछ है, 200 जी, 200 200 हाँ 200 था। तो उसके बाद कोई सूचना बाहर नहीं है, आप तो अंदर के हैं, हम तो बाहर के हैं, मतलब बाहर उन मशीन के बाद क्या डेवलपमेंट हुई आगे क्या? मैं देखिए ये तो आप भी जानते हैं कि दिल्ली इतना बड़ा सेंट्रल प्लेस है, उसमें 200 मशीन काम करना कोई बड़ी वो तो है नहीं। उसके बाद साइलेंस एक तरह से हो गया, मैं उसके ऊपर आपसे विस्तार से जानना चाह रही हूँ। और इसके साथ साथ आपसे ये भी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि उन 200 मशीन के बाद वाल्मीकि समाज को क्या फायदा, क्या परिवर्तन आपको नजर आया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसलिए आपको बिल्कुल प्रारंभ से बता रहा था इस प्रोजेक्ट के लिए माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी का बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने बहुत मेहनत भी की है और मैं ऋणी हूँ। तो स्वच्छकर समाज आभार व्यक्त करता है, उन्होंने जी एक बड़ा काम किया था इतिहास में कम से कम दिल्ली, और आज भी वो समाज के साथ खड़े हैं और एक कर्मठ नेता हैं आज के डेट में, तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनके दिल से। तो मैं आपको बताता हूँ उस टाइम पे क्या हुआ कि जो लोग थे, जैसे बीच में कोई कंपनी थी जो दिल्ली जल बोर्ड में काम करती थी, तो उन्होंने एक जब मीटिंग्स होती थी तो वो लोग क्या करते थे, वो उन्होंने इवन कोर्ट तक वो गए कि भाई ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए कि पर्टिकुलर किसी कास्ट को या किसी समाज को ये चीज मिलनी चाहिए। तो ये जो टेंडर बना, तो टेंडर में पहली चीज थी ये कि जो सफाई कर्मचारी है उनको मिलना चाहिए, राइट, उस मतलब जितने, उसके बाद जो अपने सफाई कर्मचारी, देन उसके बाद SC ST फिर जनरल, ऐसे कंडीशंस डाली हुई थी। लेकिन पैरेलली हमारे समाज में एक कमी है कि हम लोग दूसरों के आगे तो चेयर बिठा के मतलब नीचे बैठ जाएंगे लेकिन अपनों को नहीं उठा सकते। तो इस प्रोग्राम के अंदर भी इस पूरे प्रोजेक्ट को रोकने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत रुकावट डाली। मैं बताता हूँ आपको, एक ग्रुप था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, अपने ही समाज के लोग थे, उन लोगों ने क्या अफवाह फैला दी कि भाई ये है 5 लाख जो लिए जा रहे हैं ये जो है टिक्की खाएगी या टिक्कीगे, तो इसको जो है आप 5 लाख मत दो, हम फ्री में आपका कराएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने अपने फाइल और डॉक्यूमेंट जो है एक अलग जगह बना रखा था। और हम लोगों का क्या था, मैं बता देता हूँ कि 40 लाख की गाड़ी है तो उसका 25% जो स्टार्टअप स्टैंडअप लोन जो होता है 25% मार्जिन मनी होती है, तो उस लिहाज से 10 लाख आपको देने पड़ेंगे, बाकी 75% सरकार आपको लोन देगी विदाउट कोलेट्रल जो डिक्की ने काम किया है। तो उसमें हुआ ये कि 5 लाख भी उन लोगों के नाम से ही DD बनना था। अब आप सोचिए कि 200 मशीन आने हैं, टेंडर भरना है, अब टेंडर भरने के लिए 16 डॉक्यूमेंट भरने थे, 16 डॉक्यूमेंट में आपका आपका मतलब आप सोचिए GST भी चाहिए, आपकी फर्म भी चाहिए, तो वो बहुत सारी चीजें। तो हमने हैंड होल्डिंग की 2 महीने बैठ के दिन रात, हमने मैंने अपना बिजनेस सब छोड़ के, हमारी पूरी टीम ने डिक्की की, राजेश पाचा जी हैं, महेश लोहेरा जी हैं, नवीन भारती जी, सब लोग इन्होंने पूरा काम किया हम सब लोगों ने। और उसके बाद हमने लोगों के पास, मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरी की पूरी गाड़ियां वाल्मीकि समाज के लिए ही एक तरह से प्रोजेक्ट था। तो जब हम नुक्कड़ सभाएं की, क्योंकि मैं जानता नहीं था ज्यादा समाज में लोगों को, तो मैंने त्रिलोकपुरी या कहीं कहीं जाकर नुक्कड़ सभाएं की और बताया कि भाई ऐसे ऐसे एक दिल्ली का प्रोजेक्ट आ रहा है। इवन मैंने अपने रिश्तेदारों को बोला, आप यकीन मानेंगे, मेरे सगे जो रिश्तेदार हैं उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो दो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। तो उसके बाद क्या हुआ, जिन लोगों ने 5-5 लाख रुपए दिए वो उनके नाम पर थे, हमने कैश कोई डीलिंग नहीं की, DD बना, उन्हीं के अकाउंट खुले करंट, उन्हीं के नाम में वो क्रेडिट हुए। तो बैंक तो भाई फॉर्मेलिटी पूरी मांगेगा,
तो जब 75% की जो सब्सिडी थी, 75% में जो क्या हुआ कि इनको लोन होना था और 25% मार्जिन मनी, तो जो आपका ये दिल्ली का SC ST वो है फंड जो देते हैं, लोन देते हैं, इन लोगों ने हमको खूब दौड़ाया, लेकिन लास्ट में इन्होंने मना कर दिया कि हम 3 लाख रुपए तक का इनकम होगी उनको ही लोन देंगे। तो खैर वो किसी मतलब का डिपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि वो SCO सफाई कर्मचारी के नाम पे है और सफाई कर्मचारी को कुछ देते वेते नहीं है। हमने देखा SBI के पास हम बैठे, क्योंकि तेलंगाना में जो 150 गाड़ी चल रही थी, 60 गाड़ियां चल रही थी, उनका रीपे जो लोन था वो बहुत अच्छा ट्रैक था। तो SBI की जो टीम है यहाँ से तेलंगाना गई हैदराबाद, उन्होंने वहां सारा स्टडी किया प्रोजेक्ट को और पूरा रीपेमेंट देखा, तो उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और डिक्की के साथ MOU साइन हुआ। तो 90% लोन विदाउट कोलेट्रल जो है 200 लोगों के लिए उन्होंने हामी भर दी। अब उसके बाद क्या हुआ जी, जब ये आ गए तो दूसरी पार्टी ने जो है केस कर दिया है कि ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। अब जब केस कर दिया गया तो हाई कोर्ट के अंदर जजमेंट हुआ और हमारे माननीय डॉक्टर ये अपने रवि कुमार नराजी वहां पर गए दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से, उन्होंने वहां पर चीजें बताई, तो बहुत अच्छा हमारे फेवर में जजमेंट आया है कि 70 साल में पहली बार ऐसा किसी सरकार ने किया है कि पर्टिकुलर जिस समाज के ने हमेशा दबे रहे हैं उनके लिए कुछ सोचा है तो इसको पास किया जाए, तो वो रिजेक्ट हुए। उसके बाद जब ये टेंडर होने लगा तो जो दूसरी पार्टी थी वाल्मीकि समाज में जो एक गुट था, उनके लोगों जब लोगों को पता लगा कि इनको बेवकूफ बना दिया गया है, इनको कोई मतलब टेंडर वेंडर नहीं मिलेगा, तो वो लोग हमारे पास आए। अब हमने क्या किया, जब आए तो उस टाइम पे क्या होता है, टेंडर भरने की प्रक्रिया है ऑनलाइन पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है, सरकार का काम होता है, टेंडर भरवाए गए, क्योंकि टेंडर भरना मतलब डॉक्यूमेंट ही नहीं होते भरना तो बहुत बड़ी बात है। फिर भी डिक्की ने हैंड होल्डिंग की और 200 लोगों के टेंडर भरे। उसमें मैं आपको बताता हूँ 62 जो फाइलें आई थी वाल्मीकि समाज की आई थी, तो जिसमें से 9 गाड़ियां तो उनको डिजीज्ड फैमिलीज को जिनके परिवार वाले जो हैं मर गए थे, जिसमें से 4 गाड़ियां छतरपुर में ही यहाँ पे सिद्धार्थ लोग थे तो उनके डेथ हुई थी मैनुअल स्कंजिंग में, वो सीवर में काम करते हुए, उनका कोई 1 रुपया नहीं लिया गया। वो सब कुछ हमने डिक्की की मेरी पूरी टीम ने, हम लोगों ने पैसा उसका जो भी फीस थी वो डाली उसके अंदर। और इसमें जो राजेंद्र पारचा जी और राजेश कुमार पारचा जी का, विनोद पवार जी का बहुत बड़ा रोल है कि इन लोगों ने ही समाज के लोगों से हम मिलाया और हमने सब लोगों को बताया, तो उसमें से आज 62 लोगों के घरों में जो है रोजगार जा रहा है। 2 करोड़ रुपए का एक वर्क ऑर्डर है, यानी कि 7 साल का एग्रीमेंट है। 7 साल का एग्रीमेंट में जो है जो बिल्कुल सब ट्रांसपेरेंसी के साथ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें क्या हुआ कि आपको लगभग पर किलोमीटर के हिसाब से 500 मीटर चलेंगी, 500 मीटर गाड़ी चलनी है और वो गाड़ी जो है अलग से बनाई गई है, मतलब वो रेडीमेड नहीं आती है, अलग से, जैसे सर ने भी बताया था आपको लास्ट मीटिंग में, तो अलग से बनाई गई है। तो वो धीरे धीरे, किसी का सिबिल खराब है, अब जब सिबिल खराब है तो बैंक जो है लोन देगा नहीं, फिर भी हमने कोशिश करके अभी तक जो है करीब करीब 190 के आसपास जो गाड़ियां आई हैं, अभी भी 8-10 लोगों के लिए हम फाइट कर रहे हैं, क्योंकि सिबिल इतना खराब है कि उसके लिए कोई भी काम नहीं करता। तो 62 लोग वाल्मीकि समाज के इसमें है। फिर जो उसके बाद SC ST का उसमें प्रावधान था, तो फिर हमने जो है जो लोग थे उसमें, तो करीब SC ST और कुछ एक लोगों को, एक दो लोगों को जनरल को भी देना पड़ा, क्योंकि 200 का टेंडर पूरा करना था। आप यकीन मानिएगा, वो टेंडर होने के बाद, चीजें होने के बाद, जब वो चीजें हो गई तब लोग कह रहे हैं कि भाई हमको भी मिलना चाहिए, हमें भरवाइए, सब कुछ कराइए। तो आज की डेट में ऑन एन एवरेज 40 से 50 हजार रुपए, मतलब आप 30 हजार से लगा लीजिए 45 हजार के आसपास। पहले क्या होता है, एक एस्क्रो अकाउंट है, तो दिल्ली जल बोर्ड जो पैसा देता है वो एस्क्रो अकाउंट में जाता है, तो गाड़ी की किस्त जाती है पहले 80 हजार जो भी जाती है, उसके बाद मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है वो चला जाता है। ये सब कुछ निकालने के बाद जो स्मार्ट ग्रीन एक कंपनी है, स्मार्ट ग्रीन इसको रन करती है पूरे के पूरे सिस्टम को, तो जो ठेकेदार बने हैं, जो हमारे कॉन्ट्रेक्टर बने हैं, उनको लगभग 35 हजार से लेके और 40-45 हजार तक हर महीने घर पे मिल जाता है, जिनके लिए उसको ना तो कहीं नौकरी पे जाना ना कहीं जाना। और आप सोचिए कि 7 साल आपका जो पेमेंट लोन का जा रहा है, तो आपका बैंक बैलेंस कितना बन रहा है, तो आप एक जो है गवर्नमेंट के कॉन्ट्रेक्टर बन गए हैं। तो ये पूरा जो मेंटेन स्मार्ट ग्रीन करती है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अभी फिर से पिछले 4 महीने से दिल्ली सरकार के साथ, मैं जैसे अभी मैं राघव चड्ढा जी से मिलने के लिए गया हूँ 3 बार,
उनके पीए से भी बात की है, 1 घंटे 1.5 घंटे बैठ के भी आया हूँ। गाड़ी चलाने के लिए जो है पैसा चाहिए। अब 4 महीने से 5 महीने से दिल्ली जल बोर्ड ने कोई पेमेंट नहीं किया है। हमारे बहुत कॉन्ट्रेक्टर ऐसे थे बेचारे जिन्होंने ब्याज पे पैसा लेके 5 लाख जमा करे थे। अभी गाड़ी अगर उनकी नहीं चलेगी, कोविड में भी पूरी गाड़ियों ने क्या काम किया है, जितना भी सैनिटाइजेशन का काम है, या आपने देखा होगा मीडिया में दिखाते हैं दिल्ली जल बोर्ड की, केजरीवाल साहब का फोटो लगा हुआ है। तो जब ये कोविड शुरू ही हुआ था, 1 महीने के अंदर हम सब ने मीटिंग की और नारा सब ने मीटिंग की, सब लोगों से हमने इंडिविजुअली जूम पे ऊपर बात किया, तो सबने कहा कि भाई जो दिल्ली सरकार को भी हमने, दिल्ली सरकार ने एक अपॉर्चुनिटी हमको दिया है तो हमने उसको कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो 10-10 हजार रुपए तकरीबन हर कॉन्ट्रेक्टर ने अपने बिल में से कटवाए और कुछ जो 17-18 लाख 17 लाख के आसपास उनका कलेक्शन हुआ। और उसके बाद जो है 7 लाख रुपए स्मार्ट ग्रीन कंपनी ने और कुछ डिक्की ने हम लोगों ने मिला के 25 लाख रुपए सीएम फंड में हमने डोनेट किए। तो एक बहुत बड़ा, सोचिए कि इस तबके के लोगों ने, मनोज जी, मनोज सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि एक मशीन पे कितने लोगों को रोजगार मिल जाता है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। एक मशीन पे एक ड्राइवर होता है जी, 2 हेल्पर होते हैं, तो 3 लोग तो ये हो गए। फिर इनके ऊपर जो होते हैं सुपरवाइजर्स होते हैं, फिर सीनियर होते हैं, ये तो 4-5 लोग ये हो गए। प्लस जिस कॉन्ट्रेक्टर की वो गाड़ी है उसका पूरा परिवार चल रहा है। तो आप समझ लीजिए कि एक तरीके से 4 या 5 लोग एक गाड़ी के ऊपर जो है उस पर काम मिल जाता है। परमानेंट तो 2 जो आपके हेल्पर्स होते हैं और एक ड्राइवर होता है जो उसको ऑपरेट करते हैं, राइट। इनको टेक्निकल ट्रेनिंग हमने दिलवाई, सारी चीजें कराई। तो अभी जो ये चल रहा था सिस्टम, इसमें अभी पहले जो इसके मेंबर थे दिल्ली जल बोर्ड के, तो अभी ये चेंज हुए, राघव जड्डा जी आए हैं, ठीक है। तो जो अभी दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, पहले कौन थे, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, तो मोहानिया साहब थे पहले जी। तो मोहानिया साहब ने भी इसमें अच्छा काम किया, सपोर्ट सारी चीजें मिलती रही। अभी और मैं आपको बताता हूँ, बात यहाँ तक नहीं है। अभी आप सोचिए 4 महीने तक 700-800 जो हेल्पर्स हैं वो बेचारे अपने जान को जोखिम में डालकर कोरोना के टाइम में, आधे लोगों को कोरोना भी हुआ, उसको क्वारंटाइन करना पड़ा, सब किया, उसके बावजूद वो सैनिटाइज कर रहा है। और पिछले 4 महीने से हम कितने चिट्ठी लेटर सब दे चुके हैं बिहाफ ऑफ डिक्की, बिहाफ ऑफ ग्रीन, स्मार्ट ग्रीन। तो मतलब मंत्री जी के पास, मैंने उनको जब उनके पीए से मिला तो मैंने उनको बोला, मैं सर मैं दिल्ली डिक्की का प्रेसिडेंट हूँ और मुझे जो है 5 मिनट के लिए सर से मिलना है, तो जो चीजें उनसे अवगत कराना है। तो कहें नहीं, उनका टीवी में प्रोग्राम है, 2 घंटे बिठाने के बाद उन्होंने हमको भेज दिया। उसके बाद जो है उन्होंने कहा आप मेरा नंबर ले लीजिए और आप कांटेक्ट कीजिए तो हम आपसे मुलाकात करेंगे। तो फिर मैंने उनको वो जो स्लिप थी जो हमने पैसा डिपॉजिट किया था 25 लाख रुपए सीएम फंड में, आज तक किसी ने उस पर ट्वीट तक भी नहीं किया, राजेंद्र पाल गौतम जी ने किया था कि भाई इस संस्था ने, समाज के लोगों ने जो है ये डोनेशन दिया है कोविड में सीएम फंड में, तो उसका एक ट्वीट तक हमको नहीं मिला। और अभी उसके ट्वीट छोड़ दीजिए, मैं कहना चाह रही हूँ ठीक है सीएम फंड में गया, लेकिन उन परिवारों का क्या, उनको क्या मिला? जी मैं वही बता रहा हूँ, उनका उनका कोई बीमा की सुविधा नहीं है कि कोई उनको हेल्थ का कुछ, हेल्थ केयर कुछ होता हो या डायरेक्ट कैश फैसिलिटी हो, या इवन यहाँ तक कि उनका जो कोरोना टेस्ट होता है फैमिली का, वो टेस्ट भी पूरे परिवार को नहीं करवाने के लिए, मतलब ऐसी कोई सुविधा नहीं सरकार दे रही। नहीं, मैं वही अभी ठीक है, सीएम साहब के पास तो चला गया पैसा, लेकिन जो वाल्मीकि समाज है जिसने कोशिश की थी कि डिक्की के साथ मिलके और दिल्ली सरकार के साथ मिलके इस व्यवस्था में एक एक औद्योगिकरण की तरफ आए और लोग इसको इस तरीके से देखे कि डिग्निटी ऑफ लेबर, तो सर इससे क्या बदलाव? देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें जैसे 200 गाड़ियाँ जब हुई तो क्योंकि समाज के लोगों को भी इसमें बाद में पता लगा कि चीजें हो रही हैं प्रैक्टिकल, हम भी टच में जितना हो सकते तो हुआ, तो बाद में हमें भी खबर आई उड़ती उड़ती कि 100 मशीनें जो हैं और दिल्ली सरकार जो है सिर्फ वाल्मीकि समाज के लिए देने वाली है। तो ये मैं आपको जनवरी की बात बता रहा हूँ जो मुझको पता लगा था, लेकिन उसमें क्या है, इनकी जो भी हैंड होल्डिंग करेंगे जो वाल्मीकि समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं आम आदमी पार्टी में, चाहे वो अजय एमएलए साहब हों या दूसरे हों, इन लोगों को करना था। तो उसमें कुछ चीजें हुई, वो मतलब हम तक नहीं पहुंची वो बातें, बट अभी उसके बाद कोरोना हो गया। तो अभी मैं आपको बताता हूँ जो अपने समाज के लोग हैं, जो 62 लोगों को जो चीजें मिली हैं, पहली चीज तो ये कि 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, सरकार रहे ना रहे तो 7 साल तक गाड़ी चलनी चलनी है, ठीक है।
एक बात। दूसरी चीज ये है कि कम से कम 2,40,000 से लेके 2.5 लाख तक की बिलिंग हर महीने होती है गाड़ी की। अब गाड़ी के अभी एक और चीज मैं बताता हूँ, मिलिंद कामरे सर को मैं और डिक्की को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि 25% सब्सिडी इन्होंने अभी दिलवाई है, जो बहुत जल्दी लोगों को मिल जाएगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्होंने दिलवाई है इस स्टैंडअप के लिए। तो करीब 10 लाख रुपए का जो लोन था वो तो माफी हो रहा है। तो आप सोचिए कि 2 करोड़ का आपको वर्क ऑर्डर मिला है, उस 2 करोड़ में से गाड़ी के लिए भी जो 40 लाख का लोन था वो उसमें से भी 30 लाख रह गया। तो आने वाले टाइम में ये एक कॉन्ट्रेक्टर तो बन ही गए, आगे भी जो कॉन्ट्रेक्ट होंगे क्योंकि सफाई का काम तो कभी बंद होगा नहीं, तो ये गाड़ी जब 4 साल में 5 साल में जब लोन खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी अगर 7 साल के बाद गाड़ी चलती है, 15 साल तक की लाइफ गाड़ी की होती है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो सेविंग ही सेविंग होगी। तो आज हम लोगों ने, मैं आपको अभी स्लाइड शो करके दिखाऊंगा, हम लोगों ने बाकायदा जो जो लेडीज हैं जो कभी घर से नहीं निकली हैं, उन लोगों को बाकायदा हर महीने एक ट्रेनिंग हमने प्रोवाइड की, पूरे पूरे दिन की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो थॉट डेवलप कर पाए, वो चीजें हमने डेवलप की कि कैसे एक वुमेन एंटरप्रेन्योर बन सकती है और काम कर सकते हैं बाहर जाके। तो आज अब जब आप ड्रेस कोड उनका देखोगे तो आपको बहुत खुशी होगी कि ये एक बदलाव आया है। तो करीब 200 परिवार दिल्ली के जो हैं वो दिल्ली जल बोर्ड से उन्होंने लिया है। इसके अलावा अभी जो हमने काम किया है इंडियन ऑयल का और IOCL का, जो टैंकर्स निकले थे दिल्ली में, तो फिर कमी वैकेंसी थी, लेकिन उसके लिए भी हमने दिल्ली में हैंड होल्डिंग की है। और ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज, नई चीजें हम काम कर रहे हैं लगातार सरकार के साथ मिलके कि लोगों को फायदा पहुंचाया जाए किसी तरीके से। तो जो आपका सवाल था कि हमारे लोगों को क्या इससे फायदा हुआ, तो पहले जी, तो वो फायदा ये हुआ कि पहली चीज तो ये कि परमानेंट, अगर आप देखेंगे कि 40,000 भी अगर उसको मिल रहे हैं आज की डेट में, तो उसके लिए उसको ना तो घर से बाहर जाना पड़ रहा है ना सफाई करनी। तो आज जो लोग उसके हैं जो जॉब कर रहे हैं, जो 3 एम्प्लॉय हैं वो कॉन्ट्रेक्टर के एम्प्लॉय हैं, राइट, और पूरा अच्छे तरीके से वो चीजें मैनेज भी हो रही हैं। और आज वो बात करते हैं कि सर अगर कोई और अपॉर्चुनिटी आए तो बताइए, हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। आज की डेट में आप बैंक चले जाइए, विदाउट कोलेटरल बैंक में लोन 1 लाख रुपए का नहीं मिलता है, 40 लाख रुपए का लोन। वो एक डिक्की की ही पहल थी और डिक्की की एक इमेज थी कि जिसकी वजह से SBI आगे आके उसने लोन उनको दिया है। अभी परेशानी क्या हो रही है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर हमेशा देखिए दो फाट होते हैं, दो चीजें होती हैं। तो अभी ये प्रोजेक्ट को लेके कुछ लोगों को मतलब जलन है, या मैं कहता हूँ कि पता नहीं क्यों ऐसा उसमें आ गया कि वो हमारे समाज के लोग ही कई बार आते हैं और वो आके इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए कि वाल्मीकि समाज को इससे पहले बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं, बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं, बहुत सारे सो कॉल्ड नेता भी हमारे समाज के हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी, हाँ जी हाँ, तो कोई ऐसा प्रूफ जैसा बुलेट प्रूफ ऐसा कोई प्लान या ऐसी कोई चीज बता दे कि हमने ये किया है तो समझ में आता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आज जब हम समाज की तरफ एजुकेशन की और इसकी बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, मैं आपको एक बार अभी दिखाता हूं। हाँ, जैसे प्लीज, जी शेयर कीजिए स्लाइड। जी मैं शेयर करता हूँ, जी एक मिनट जरा मैं शेयर। डॉक्टर साहब देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये दिल्ली जब से मैं 2 साल मेरे को प्रेसिडेंट बने हो गए हैं और मैं बिल्कुल सीख रहा हूँ अभी चीजों को। तो हमने जो प्रोग्राम्स किए हैं दिल्ली जल बोर्ड 200 सीवर क्लीनिंग मशीन के लिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जितने भी कॉन्ट्रेक्टर थे इन सब 200 लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले, मशीन कैसी आएगी, कैसे काम चलेगा, आप देख रहे हैं। ये ऑरिएंटेशन प्रोग्राम किया हमने 200 न्यू कॉन्ट्रेक्टर्स को, हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय डिक्की, ये 14 जून 2018 में हमने किया। ओशियन पर्ल होटल है छतरपुर में ही, यहाँ पर बुला के तो मीटिंग का एक हमने रखा कि भाई जो भी थोड़ा बहुत चार्जेबल रहे लेकिन एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो। तो यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग जो लोग थे उनको बुला के उनसे इनको ट्रेनिंग्स दिलाई गई। उसके बाद हाफ डे ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया डिक्की ने जो समूह भवन में किदवाई नगर में किया। तो ये वो लोग थे कि रेगुलर हम 15 दिन में 20 दिन में इनको डेवलप कर रहे थे। आप देख रहे हैं महिलाएं हैं जो बैठी हैं आगे, तो ये सब सिंपल बिल्कुल अनएजुकेटेड भी काफी सारे लोग हैं, एक एक आदमी को बोल के बता के बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ डिक्की ने काम किया।
फिर मैंने अब जब मैं प्रेसिडेंट बना तो हमने एंटरप्रेन्योर लीडरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किए। ये पहला प्रोग्राम है जो 30 सितंबर को होता कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर। आप देख रहे हैं पूरी डिक्की की टीम है जो खड़े हैं और इन लोगों ने बहुत साथ दिया हमारा और सब लोगों ने जो लोगों को बुलाया। तो आज इसमें जैसे मार्केटिंग स्किल है या आपका डेवलपमेंट कैसे होना है, बिजनेस कैसे होगा, लोन कैसे होगा, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी चीजों के लिए चीजें होती रही। फिर हमने ये 2018 में 26 अक्टूबर को मोफी के साथ एक प्रोग्राम किया। स्कूल में बच्चों को जो है अगर पखवाड़ा स्वच्छ पखवाड़ा के तहत हमने काम किया तो ये छतरपुर स्कूल में MCD स्कूल है, बच्चों को पेंटिंग कंपटीशन कराया और सब बच्चों को जो है कुछ प्रोडक्ट्स भी हमने दिए। तो ये जो मोफी है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग, इनका क्या है कि 50% सब्सिडी तक देते हैं ये, क्या खाने का काम करते हैं। लेकिन हमारे लोगों को या सब बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि भाई क्या फैसिलिटीज आ रही है क्या, तो उस तरह के प्रोग्राम्स हमने ऑर्गेनाइज किए। सेकेंड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया हमने 28 अक्टूबर को ओशियन पर्ल रिट्रीट में। तो इसमें भी आप देख रहे हैं अब आप चेंज देखे, जो पहले चेंज था 2018 में और अब ये जब एंटरप्रेन्योर बन के आए तो इनका पहनावा, इनका बैठने का ढंग, तो हमने सर्टिफिकेट्स भी दिए लोगों को कि कौन किसने कौन सी ट्रेनिंग अरेंज की है। इसके बाद ये मोफी का स्वच्छता 29 अक्टूबर 2018 को GTB चौक पे हमने किया। तो जितने भी ये आप देख रहे हैं ठेले वाले थे, इन ठेले वालों को स्वच्छ कैसे रहा जाए, कैसे बीमारी से बचा जाए, तो ये दिल्ली चैप्टर ने किया है और टी शर्ट्स वगैरह सब बांटे हैं। इसके बाद एक फैमिली गेट टुगेदर हमने किया पूरा, मैंने कहा कि भाई समाज के लोग हैं तो एक दूसरे को समझें, तो एक फैमिली गेट टुगेदर हमने मंथली बेसिस पे स्टार्ट किया, सब अपनी फैमिली को लेकर आए, माइक पकड़ना भी सीखा और ये सब चीजें हमने किया। फिर ये एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम है 2 दिसंबर 2018 को हमने ओशियन पल में फिर से किया। तो इसमें नए नए लोग जुड़ते गए और इसमें माननीय आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी चीफ गेस्ट थे, तो इनको भी सम्मानित किया हमने और इनका थैंक यू भी कहा कि इनकी वजह से हमने चीजें की। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल साहब से हम मिले पूरा डेलीगेशन, और जैसे हर स्टेट के अंदर गाइडलाइंस हैं, हर पॉलिसीज हैं दलित बिजनेसमैन के लिए, लेकिन दिल्ली में अभी नहीं है, तो हमने उनको ज्ञापन दिया है। और अभी जो जो भी पॉलिसीज हैं कि दिल्ली के जो दलित एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए कैसे कुछ फैसिलिटीज हो सकती हैं, तो अभी कोविड के बाद क्योंकि टाइम मांगा है तो कोविड के बाद मिलने का मौका मिलेगा तो हम इनको वो फॉर्मेट भी देंगे कि दलित समाज के लोग कैसे कामयाब हो सकते हैं, व्यापार में क्या उनको छूट मिल सकती है। तो काफी अच्छा इनके साथ 1 घंटे का सेशन रहा। और उसके बाद इस तरह के ये टेंडर, LPG टेंडर जब हुआ था उसके बारे में, LPG जो टैंकर लंबे वाले होते हैं उसके लिए 1 करोड़ तक का लोन सरकार ने निकाला था, तो उसमें काफी सारे लोगों ने भरा है और ये सारी अपॉर्चुनिटीज आती रही। और उसके बाद हम माननीय कैबिनेट मिनिस्टर श्री सत्येंद्र जैन जी से मिले जो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, इनसे मैं मिला जाके, तो इनको भी हमने ज्ञापन दिया कि हम गाइडलाइन ला के आना चाहते हैं, मतलब जो भी पॉलिसीज हैं आप इंडस्ट्री के लिए, दिल्ली के व्यापारियों के लिए, जो छोटे व्यापारी हैं जिनके पास पैसा नहीं है, कुछ पॉलिसीज बनाएं। तो लेकिन उसके बाद कोई बात आगे बढ़ नहीं पाई इनके साथ। उसके बाद ये जो है ये SDM साहब हैं, तो इनके साथ भी इन्होंने एक प्रोग्राम किया था, इनसे हम मिले। एंड उसके बाद 4th EDP प्रोग्राम किया हमने, ये आपका 6 जनवरी को किया था, आप वुमेन विंग भी लॉन्च हमने की उस दिन, महिलाओं को भी जो है पोस्ट वगैरह दी है। आप देख रहे हैं वुमेन विंग है और ये सारी सिंपल हाउस वाइफ थी लेकिन अभी सब बिजनेस वुमेन बन गई हैं। एंड 5th EDP हमने किया जिसके अंदर ये IPS ऑफिसर हैं, श्री इनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा जी, तो ये सब अपने स्कूल के लोग हैं। एंड उसके बाद वेंडर डेवलपमेंट हमने काम किया कि जो भी लोग कुछ करना चाहते हैं, तो टाटा का जो टाटा पावर के अंदर हम लेके गए, तो टाटा पावर में एक विजिट होती है, टाटा बहुत सपोर्ट करता है, तो काफी सारे लोग, मैं सबको लेके गया वहाँ पे, कभी जाइए और आप देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम बना सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। तो ये उसका विजिट था और इसमें अपने रवि जी हैं, रवि जी पहली बार गए थे वहां पे, ये नवीन जी हैं, संजीव डांगे जी हमारे नॉर्थ इंडिया प्रेसिडेंट, तो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला वहां पर, प्रिंटिंग का काम आज की डेट में टाटा पावर के अंदर यही कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे काम हमने, जितना हमसे 2 साल में बन पड़ा हमने किया और आज भी कार्यरत है। तो जितने भी अभी जो मेंबर्स नए बन रहे हैं और हमारा भी जैसे कोविड के बाद, अभी जूम पे भी मीटिंग चलती रहती है, कोविड के बाद भी अच्छा सा कुछ प्लान कर रहे हैं, सरकार के साथ लगातार बात हो रही है क्योंकि अभी सभी कोरोना में लगे हुए हैं तो सरकार के पास अभी वक्त ही नहीं है,
मैं आपके चैनल के माध्यम के से और स्वच्छता पखवाड़े की अगर जो लोग ये सुन रहे हैं मैं और इससे रिलेटेड जो भी दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए अधिकारी हैं, अभी बहुत चीजों पे हमें फाइट करनी पड़ती है। कई जगह जो जेईज होते हैं वो लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं, राइट। और अभी जो 4-5 महीने से पेमेंट लोगों कॉन्ट्रेक्टर्स का रुका हुआ है, अभी कोविड में कहीं जाना नहीं हो रहा, तो लोगों का जो है जीवन यापन में दिक्कत आ रही है, उसके लिए हम मिल रहे हैं। तो ये मैसेज अगर वहां तक स्लाइड अगर कंप्लीट हो गई हो तो स्टॉप कर दीजिए। जी सर, थैंक यू जी। तो ये भविष्य का आपका एक प्रोजेक्ट है, आगे इस पे काम करना है आपको भविष्य में। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम योजना एक तरह से क्या है आगे। जी जी, हम लोगों ने अभी फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार किया था और उसके लिए बैंकों से या बड़ी बड़ी कंपनियों से एमओयू साइन हुआ। अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हमने एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें ये अपने मंत्री साहब आए थे, फाइनेंस मिनिस्टर। तो वहां पर हमने क्या किया, जो जितने भी हमारे लोग हैं जैसे पीएसयूज का स्टॉल लगा, और हमारे जो लोग बिजनेस करते हैं जैसे कोई खाने का रेस्टोरेंट का चैन चलाता है, किसी का अपना जो है मछली पालन का प्रोजेक्ट है, तो अलग अलग प्रोजेक्ट, जैसे मेरा अपना प्रोजेक्ट है, हम भी फ्रेंचाइजी देते हैं रिटेल का, क्योंकि हमारे पास 90 प्रोडक्ट हैं सवेरे से लेकर शाम तक जो घर घर में यूज होते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार किया। अब उसके लिए जो फ्रेंचाइजी मान लो 10 लाख की है, 15 लाख की है, तो लोग कहाँ से पैसा लगाएंगे, तो हमने बैंकों को बुलाया वहां पर। तो बैंकर्स वहां पर आए और बैंकर्स ने डिक्की के साथ एमओयू साइन किया, तो विदाउट कोलेट्रल उस फ्रेंचाइजी का जो पैसा है वो बैंक उनको लोन कर रहा है। तो इस तरीके से हम एमएमटीसी से मिले, जाके वहां के डायरेक्टर से मिले, तो जो सोने की जो गोल्ड का काम होता है एमएमटीसी के अंदर, तो वहां पर क्या होता था कि वो उनकी जो कंडीशंस लगी हुई थी, वो कंडीशन ये थी कि भाई आपको अगर शोरूम खोलना है गोल्ड का, ज्वेलरी का, तो आपके पास एक बड़ी मार्केट में शोरूम होना चाहिए और तब जाके आपको फैसिलिटी देंगे। तो हमने ये कहा कि साहब अगर इतना बड़ा मार्केट में जगह होती तो फिर शोरूम लेने की जरूरत क्या थी हम लोग, है ना। तो उसके लिए भी वहां पर गाइडलाइंस के लिए उनको चेंज कराने के लिए सर ने बात की है। तो ऐसा कोई प्रावधान हर एक फील्ड के अंदर, हर डिपार्टमेंट में, हर मिनिस्ट्री में हम जाके काम कर रहे हैं, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं एकजुट होने की जरूरत है, हम लोगों को आगे आने की जरूरत है। और ऐसा भी व्यापार हमने एक डिजाइन किया है कि जहां पर लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो नो डाउट कोई बात नहीं, पैसा नहीं है, पैसे के बगैर भी पैसा कमाया जा सकता है। उसके लिए मैंने अपना एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, तो सब लोग जानते हैं और कुछ लोग जुड़ के उसमें फ्रेंचाइजी लेके या फ्री में भी काम कर जुड़ के हमारे साथ बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। सर बहुत सारे सवाल आए हैं, कुछ सवालों को ले लेते हैं। जी जी, दो अकाउंट है हमारे फेसबुक पे, दोनों पे लाइव चल रहा है, दोनों में से एक एक का लेते हैं। जी महेंद्र जी, जय भीम, मनु सागर अम्बेडकर, जय भीम जय संविधान, राजेश पारचा जी, जय भीम, सब जय भीम बोल रहे हैं सर आपको, जय भीम, जय भीम सर, जय भीम। राजेश पारचा जी चेयरमैन कामले सर, नारा सर और मनोज सर के नेतृत्व में वाल्मीकि के समाज के नवयुवक को स्वरोजगार के लिए अवसर प्राप्त कराया, ये राजेश पारचा जी आपके लिए कह रहे हैं। जी जी, अनिल के जी, गुड जॉब मैम, थैंक यू अनिल जी, आपने इस डिबेट को लाइट किया। मुकेश कुमार जी ने कहा है ग्रुप ग्रेट डिस्कशन। चिरंजी लाल आर्य जी क्रांतिकारी, जय भीम मित्रों बोल रहे हैं। दिलीप कुमार बोध जी, जय भीम, मुकेश कुमार जी एंड कुलदीप बेदी जी देख रहे हैं। वेद प्रकाश जी, जय भीम वेद प्रकाश जी, थैंक यू, आपको पसंद आया। अजय चौहान जी देख रहे हैं, संजय सहारे जी नागपुर से, महाराष्ट्र से, वो भी देख रहे हैं। सुमेल कुमार जी, श्याम कुमार जी, जय भीम बोल रहे हैं। वेद प्रकाश जी कहते हैं बहुजन समाज को बिजनेस और व्यापार की ओर कैसे ले जाया जाए, आज हमारे लोअर मिडिल क्लास सरकारी नौकरी ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए 90% लोग आश्रित थे, अब वो भी गया। ये सवाल आपके लिए सर, जी वेद प्रकाश जी ने पूछा, हम साथ ही जवाब ले लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा जो मैंने समझा और अपनी लाइफ में चेंज किया है कि देखिए, इफ यू वांट टू नो योर फ्यूचर यू हैव टू मेक द लिस्ट ऑफ 5 पीपल विद होम यू आर स्टेइंग। मतलब आपको अगर अपना भविष्य जानना है तो आप ऐसे 5 लोगों की लिस्ट बना लीजिए जिनके साथ आप ज्यादा रहते हैं या जिनको आप फॉलो करते हैं। तो होता क्या है, हम जिस माहौल में रहते हैं, देखिए हमको अपग्रेड करना पड़ेगा। आज मैं नारा सर के साथ रहता हूँ या डांगी सर के साथ रहता हूँ या कामले सर के साथ रहता हूँ, तो मुझे वही चीजें सीखने को मिलती है और सुनने को मिलती है।
सबसे पहला जरूरी है कि वी हैव टू चेंज अवर अप्रोच, कि हमको ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस किसी एक पर्टिकुलर कास्ट की बापोदी नहीं है, बिजनेस में हम भी कामयाब हो सकते हैं और आप जो चाहे वो पा सकते हैं। क्योंकि देखिए आज जो देश जो चला रहे हैं, देश के अंदर भी आप देखें तो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, चाहे अभी जैसे रेलवे में प्राइवेटाइजेशन हुआ, इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा, जो बड़े बिजनेस घराने वही तो कर रहे हैं ना पार्टिसिपेट। तो हम लोगों को कम से कम कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। हो सकता है कि हम अपने लिए बहुत एंजॉय ना कर पाए, अपने लिए बहुत सारी चीजें ना करें, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी के लिए आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। और कोई भी एक काम, मैं नहीं कहता, जैसे राजेश पारचा जी का आपने देख पढ़ के बताया है, इनका राजेश पारचा जी का, ये वाइस प्रेसिडेंट है डिक्की के अंदर, और इनके फादर साहब का मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा कि मैं, क्योंकि हम टच में नहीं थे, तो पूरे समाज से दिल्ली के अंदर इन लोगों ने बहुत मेहनत की है और इन लोगों ने दिन रात लग के कंधे से कंधे मिला के काम किया है और आज भी लगे रहते हैं लोग। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जॉब अभी नहीं रही है, करोड़ों लोग जो हैं हर साल पास आउट होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, कितने लोगों को जॉब मिलेगी, और जॉब में मिलकर काम करके कितने लोग हैं जो कामयाब हो गए हैं। आप हम दिक्की कहती है कि जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब गिवर बनना है। तो आज मैं आपको बताता हूँ, मेरी जो कंपनी है डॉक्टर साहब, उसके अंदर करीब करीब 40,000 लोग एसोसिएट हैं, और मैं कल हमने पे आउट निकाला था परसों, तो करीब 1200 लोगों के अकाउंट में हमारे यहाँ से फंड गया। दैट मीन्स कि 1200 लोगों की जो जीवनचर्या है वो यहाँ से चल रही है, चल सकती है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब हौसले बुलंद होते हैं तो आपके जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पैसा इज नॉट अ बिग इशू, कि आपके पास पैसा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, आप जितने करोड़पति अरबपति देखोगे उनके पास बहुत ज्यादा एजुकेशन की डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके यहाँ पे जो जॉब करते हैं वो बहुत एजुकेशन वाले जॉब करते हैं। सो अगर आपको करना है, किसी ना किसी को स्टेप लेना होगा। डिक्की एक ऐसा माहौल क्रिएट करके देती है, डिक्की एक ऐसे सिस्टम बना के देती है जहां पर हम सोच पाते हैं। देखिए अगर किसी को बिजनेस करने में दिक्कत आ रही है तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं। वो दिक्कत वाला भी आ चुका है, मैं अभी लेती हूँ आपसे, आप तभी जवाब दे देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। श्याम कुमार जी, जय भीम, भवरलाल सेजू, जय भीम, माधवी वाघमारे, जय भीम, विपिन गाड़गे, थैंक यू विपिन गाड़गे जी, आपने कहा कि बहुत सुंदर। भोजराज जी, जय भीम, विक्रांत सिंधु देख रहे हैं, जबलू राम जी, डॉक्टर राजकुमार सोनकर जी कहते हैं, ग्रेट अचीवमेंट सर, आपका अनुभव सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज यूथ के लिए अपने विचार दीजिए जिससे वो अपनी लाइफ को आगे प्रगति की तरफ ले जाए, विद रिगार्ड, जय भीम जी। जय तो कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे, डॉक्टर राजकुमार सोनकर जी ने पूछा है। जी डॉक्टर साहब को मैं जय भीम कहना चाहूंगा, और ऐसे जागरूक और पॉजिटिव जो अभी आप जो बातें बोल रहे हैं, जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं, हमारे भाई लोग देख रहे हैं, हमारी बहनें देख रही हैं, ये पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं। देखिए गिलास आधा हो या खाली हो, वो देखने का नजरिया अपना अपना होता है। तो जब हमने बिजनेस करना शुरू किया तो मेरे को सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल मेरे घर से मिला। मेरे फादर साहब ने कहा कि भाई ये काम जो तू कर रहा है ये अच्छा नहीं है, नौकरी की तैयारी करो या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कीजिए, ये कीजिए। लेकिन मेरे को था कि फादर साहब का एक एक्सपीरियंस अपना है, उनकी लाइफ अपनी थी, उनकी डिमांड्स या नीड्स अपनी थी, मैं जिस जिंदगी को जीने जा रहा हूँ उसकी डिमांड्स और नीड्स कुछ और हैं। तो आज की डेट में अब किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम जून पे ऐसे बैठ के मीटिंग करेंगे, राइट? लेकिन हालातों ने पैदा ऐसा कर दिया कि अब जून पे कंफर्टेबल हमको लगता है काम करने के लिए। तो हमको ये देखना है कि फ्यूचर में क्या आने वाला और किन चीजों का काम होगा। आज की डेट में बिजनेस जो है, जो दुकानें थी वो अभी घर में आपको सामान मिलता है, दुकानों का बिजनेस जो है, अभी कोई भी इंडस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, प्रॉपर्टी का इंडस्ट्री डाउन है, होटल का डाउन है, जितने भी आप बिजनेस उठा के देखेंगे। लेकिन अब हमको ये सोचना है कि मैं अपने बच्चों को क्या देके जा रहा हूँ। देखिए जनरली एक लाइफ स्टाइल होता था पहले कि घर में चार लड़के या लड़की हमारे परिवार में होते थे, पूरे 60 साल वो जॉब करके रिटायरमेंट लेते थे, तो दो ही काम हो पाते थे, या तो लड़कियों की शादी, बच्चों की शादी, या फिर एक मकान बनता था, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अभी हमको एक ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा कि अगर कोई आदमी दुनिया में, जिसने हवाई जहाज बनाया वो इंसान था, जो करोड़पति बना वो इंसान था, जितनी भी चीजें हम यूज कर रहे हैं वो इंसानों ने बनाई है, अगर वो इंसान है तो हम भी इंसान है, अपने को डरना नहीं है, काम करते जाइए, रास्ता मिलता जाएगा। अपने से हम क्या बात करते हैं, व्हाट यू स्पीक व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, हम अपने आप से क्या बात करते हैं, वो एक जरिया है। जी आगे बढ़ते हैं, मेहताब सिंह जी, जय भीम, महेंद्र बौद्ध दलित, जय भीम, फूल सिंह मीणा जी देख रहे हैं, पूजा पवार, सुरेंद्र नरवाल, मेहताब सिंह जी लिखते हैं,
वाल्मीकि समाज को सफाई करते समय हर दिन अपमान सहन करना पड़ता है, उसके लिए समाज को क्या करना चाहिए? देखिए मैं जवाब दे देती हूँ, मुझे लगता है उस पेशे को छोड़ देना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आप इस पेशे को नहीं छोड़ेंगे, डिग्निटी ऑफ लेबर इंडिया में आने में अभी टाइम लगेगा, इसलिए बेटर है कि आप इस पेशे को छोड़ के आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं सर, जयकर्ण वाल्मीकि आसाम से कहते हैं कि बहुत अच्छा है, अश्विनी शंकर देख रहे हैं, विपिन गाड़गे जी कहते हैं सर आपकी बात बिल्कुल सही है, आई एम एग्री विद यू विद हर, कोई चाह कोई चाहते का बिजनेस कर, पता नहीं क्या लिखा है, चाहते का बिजनेस करे बट कोई रास्ता तो मिले, कोई हेल्प तो कोई, लेकिन विपिन गाड़गे जी आपका सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सर को क्या पढ़ के सुनाऊं, थोड़ा सा या तो हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखिए, ये जो अपना ये जो गड़बड़ रहता है अंग्रेजी को हिंदी में बढ़ा के लिखने वाला मामला, उसको दिक्कत आती है पढ़ने में, और मेरी वैसे भी आंखें कमजोर हैं, ज्यादा मैं नहीं पढ़ पा रही, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आप नीचे हिंदी में लिख देंगे तो मैं तुरंत सर से आपका लूंगी। अंतरा चौधरी जी थैंक यू देखने के लिए, दिनेश सागर जी थैंक यू, विपिन गाड़गे जी दोबारा फिर लिख रहे हैं, मैं कोशिश करती हूँ क्या लिख रहे हैं। सर मुझे बैंक में जाते हुए 2-3 मंथ हो गए हैं, लेकिन बैंक से लोन नहीं मिला। आप कहते हैं कि लोन लेकर बिजनेस करें, अभी तक बैंक चक्कर लगाना पड़ रहा है, और मैं जॉब करते हुए सैलरी अकाउंट, मैं शायद ये लिखना चाह रहे हैं कि मैं जॉब करते हुए मेरा मैं जॉब कर रहा हूँ और सैलरी अकाउंट भी है, सिविल भी ठीक है, सब हवा हवाई है सर। नहीं ये लोन का प्रोसेस के ऊपर बात करना चाहते हैं, मैं जी बताता हूँ आपको, ये काफी हद तक इनका जो है सही है, ये जो इन्होंने अभी बातें कही हैं, बिकॉज अभी सरकार में आप देखें कोविड के टाइम पे ही बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हुई कि हम इतना पर करोड़ रुपए दे रहे हैं, इतना चीजें दे रहे हैं, तो ये चीजें यहाँ तक तो पहुंच जाती हैं, मतलब आपने पिक्चर में बोल दिया वाई वाई होगी, बहुत अच्छी बात है, टीवी पे बोल दिया, बट जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंकर कहता है हमारे पास कोई गाइडलाइन ही नहीं आई, हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं है। अभी इस मार्च का जो ये था आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज था, तो बैंकों ने क्या किया, 20% जो है एमएसएमई का जो वो था लोन देना था इनको, अभी तक बहुत सारे लोगों को तो मिला ही नहीं है। वो कहते हैं कि जी आप पहले फॉर्मेलिटीज पूरी करो, आपका साल पूरा हो गया है तो डॉक्यूमेंटेशन, लॉकडाउन में डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से पूरी कराएंगे, तो ये बिल्कुल जायज है। और इसके लिए हमने फाइनेंस मिनिस्टर के साथ डिक्की ने पूरी कॉन्फ्रेंस की है, आपको अगर आप देखेंगे तो डिक्की के पेज के ऊपर वो सारा लाइव है, तो हमने ये सारी प्रॉब्लम्स उनको बताई है। दूसरी चीज सर देखिए, लोन लेना एक हमारे लिए ठीक है भाई हम लोन ले लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जरूरी है कि क्या आपका वो प्रोजेक्ट अच्छा बना हुआ है। और कई जगह हमने बैंकर्स के साथ जब काम किया देखिए, तो बैंकर्स ने एक चीजें बताई है हमको कि लोग जो है व्यवहार बहुत अच्छा ठीक नहीं होता हमारे लोगों का जब बैंक्स में जाते हैं, तो अभी तो खैर प्रॉब्लम्स हैं तो इसलिए लगता है, लेकिन फिर भी अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र में हमारे संतोष कांबले जी प्रेसिडेंट हैं, और पुणे के अंदर ही हमारे हेड ऑफिस भी है हमारा कांबले साहब का, तो आप वहां संपर्क कीजिए, वो टीम आपकी बिल्कुल मदद करेगी सर। जी आगे बढ़ते हैं सर, सोनाली शाहू देख रही है, रूपलाल देख रहे हैं, मोंटी सिंह देख रहे हैं जो लंदन से हैं, सुरजीत बेंस जी देख रहे हैं, विवेक टांक कहते हैं सीरियसली अनबिलीवेबल, मतलब अविश्वसनीय है जो आपने जो पूरा रखा है समाज के सामने पूरा उसके साथ। हमारे बड़े भाई साहब देख रहे हैं, पदम सिंह पवार जी, सर आपका आशीर्वाद तो हमेशा मेरे ऊपर रहता है, मंगल कामनाएं आप हमेशा मुझे देते हैं, और आप लोगों की वजह से ही हम लोगों ने लॉकडाउन में इसका फायदा उठाने की कोशिश की है कि समाज कम से कम कुछ हमारा छोटा सा योगदान पे बैक टू सोसाइटी हम भी दे पाए। थैंक यू आपको, थैंक यू सर देखने के लिए, पदम सिंह पवार सर। दीपक उषा ढाका जी जय भीम बोलते हैं, जय भीम। माया देवी वागमारे जय भीम बोल रही है, जय भीम सर। माया देवी जी जय भीम, आपको आपका 11 तारीख को हम सुनना पसंद करेंगे, आपका स्लॉट है मेरे पास पहले से ही। विनोद वर्मा जी जय भीम, सूरज बहन जय भीम, ओम प्रकाश जी जय भीम, क्लास पुरुषार्थी जी देख रहे हैं, दिलीप भारती जी, जुगत राम जी देख रहे हैं, जुगत राम जी, विवेक टाक बात कर रहे हैं, सर कृपया एक
एकदम सरल भाषा में बताएं, यदि कोई युवा आपकी संस्था से जुड़ना चाहता है तो वो क्या करें? कृपया पैसों पर भी थोड़ा बताएं, क्योंकि छात्रों के पास पैसों का अभाव रहता है। सर ये दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र है और जाहिर सी बात है हमारे स्टूडेंट जो खासकर वाल्मीकि समाज के स्टूडेंट होते हैं उनके पास पैसा का तो दिक्कत आती ही है, हम सब जानते हैं। कोई आसान रास्ता जो बच्चे इस काम को छोड़ के बिजनेस की तरफ जाए? मैं देखिए दो चीजें बताऊंगा आपको डॉक्टर साहब आपके जरिए से, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी वजह से आज समाज के लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिलने का मौका मिल रहा है। मैं जब हमने काम शुरू किया था करे हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ हौसला था और हौसले के साथ काम शुरू किया। ऐसे लोग जिनके पास, जो स्टूडेंट है अभी जिनका सवाल आया है, तो मैं इनसे कहना चाहूंगा दिल्ली साउथ दिल्ली में मेरा ऑफिस है डिक्की का, और छतरपुर में कुतुब मेट्रो के पास मेरा अपना ऑफिस है कंपनी का। तो ऐसे लोग जिनके, जैसे मेंबरशिप का जो फीस लगता है वो 2500 लगता है जो मेंबरशिप हम लेते हैं, लेकिन मेंबरशिप बिजनेसमैन की लेते हैं कि वो बिजनेस कर रहा है, जो करना चाहते हैं उनके लिए भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया था यूनिवर्सिटीज में जाके। मैंने अभी तक दो लेक्चर दिए हैं कि जो बच्चे पास आउट होने वाले हैं वो क्या करें। तो सबसे पहली चीज है कि अपने को डिसाइड करना है हमारी लाइन क्या है, एक बार। दूसरी चीज ये है, मैं जिस पे बहुत स्ट्रांग बिलीव करता हूँ, अब आप इसे कोई कुछ भी समझेगा, कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा जरिया है जहां पर आपके लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ कि लॉकडाउन में सब बंद था लेकिन पेट बंद नहीं था, मुंह बंद नहीं था। बिल्कुल, यानी कि आपको खाना खाना है, नहाना है, धोना है, पैसा हो या ना हो, काम हो या ना हो। तो ये दो चीजें हैं जो अभी फ्यूचर में लॉकडाउन के बाद हमको समझना जरूरी है कि आप ऐसा बिजनेस करें जिसमें आपके लिए लोग काम करें। आज आप रतन टाटा, बिरला, अंबानी जिनके यहाँ लाखों लोग काम करते हैं तो ये अमीर बनते हैं, और हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं इनके नीचे काम करने के लिए। तो अमीर तो वही बनना है क्योंकि हम अपने बच्चों को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको जिंदगी में पढ़ के नौकरी करनी है। तो नौकरी का जो शब्द है ना करी, मतलब जॉब जस्ट ऑबे द बॉस। तो ये जो चीजें हैं, मैं हमारे अपॉर्चुनिटी में बता देता हूँ, मेरा जो बिजनेस प्लान है, बिजनेस जो अभी कंज्यूमर मिनिस्ट्री भारत सरकार के, आप देख सकते हैं, आप गूगल पे डालिए डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, उसके अंदर करीब 453 कंपनियां हैं जिसमें बाहर की विदेशी कंपनी और हमारी भी कंपनी है। मेरी कंपनी भी 211 नंबर पे वहां पर रजिस्टर्ड है, यानी कि मान्यता प्राप्त सरकार की कंपनियों की गाइडलाइंस को हम फॉलो कर रहे हैं। अभी इसके रूल्स बनने वाले हैं, तो भारत सरकार ने भी यही कहा है कि रोजगार खत्म हो रहा है तो रोजगार कैसे जनरेट हो। तो आप कंज्यूमर घर का सामान यूज करके ही और पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे हमारे पास महिलाएं हैं, नारी शक्ति हैं, जो सिंपल हाउसवाइफ हैं, 1.5 साल से 2 साल से करें लेकिन 60 से 70 हजार रुपए घर बैठे वो आज अर्न कर रहे हैं। ये बिजनेस का फ्यूचर है। जिनको लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है और काम करना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको सर्विस भी देंगे, हम सिखाएंगे भी। 250 वीडियो मेरी पड़ी हुई है यूनियर, आप खोल के देखेंगे उस पे, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस हम देते हैं, सिखाते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लगता है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप ना कहीं हमें लिंक भेज दीजिएगा ताकि हम डायरेक्ट फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे उसको डालें। जी जरूर जरूर, मैंने वीडियो वॉच करें और सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस, होल प्रोसेस टू कम्युनिकेट विद यू। जी जी, फिर आगे चलें। दीपक उषा ढाका लिखते हैं, बहन जी हाउ कैन आई कनेक्ट विद योर इनिशिएटिव? भाई साहब मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरे साथ कनेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है, मनोज जी से करिए, दुकानदार है, मैं तो टीचर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ कॉलेज में, मैं आपके किस काम की, मैं तो जस्ट एकदम लोगों को पकड़ती हूँ। इतना बड़ा काम कर रही हैं डॉक्टर साहब कि आप हम जैसे लोगों को बिठा दिए हैं, फिर इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। ये तो मेरा मैं अपने आप को, आप लोगों का स्नेह और आदर इतना मिलता है मुझे कि आप लोग अपना इतना कीमती समय मेरे लिए दे देते हैं, और मुझे ये रहता है कि चलो इसी बहाने पे बैक टू सोसाइटी, मैं कोई बड़ा, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए डॉट्स बनते हैं, डॉट्स कनेक्ट होती जाती हैं, होती हैं, बस यही है। और दीपक उषा ढाका जी, आप तो मेरे पास डायरेक्ट मैसेंजर पे भेज सकते हैं, अगर आप सर से कनेक्ट करना चाहें तो सर की वेबसाइट को मैं फेसबुक पे डाल भी दूंगी, आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। अरविंदर कुमार यादव जी देख रहे हैं, हरीश नावरिया जी देख रहे हैं, विनोद वर्मा जी लिखते हैं कि बाजारों पर हमारा कब्जा नहीं तो हम व्यवसाय कैसे करें, हमारे पास दुकानें नहीं तो हमें सघन प्रतियोगिता से गुजरना पड़ता है, मार्गदर्शित करें, विनोद वर्मा जी जानना चाहते हैं। सर विनोद वर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। सर देखिए बाजारों पे कब्जा है तो इसलिए कि उनके लोगों ने पहले से कब्जा कर रखा, हम में से किसी को तो बढ़ना पड़ेगा ना। जैसे आज इस इंडस्ट्री के अंदर हम आए,
आज एक पर्टिकुलर मार्केट है हिंदुस्तान के, कम से कम आप लगा लीजिए 40,000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, घर से स्टेप निकालना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी। और कहते हैं ना 1,000 माइल स्टार्ट्स विद बिगिंस विद अ वन स्टेप, यानी कि पहला कदम घर से निकालो। आप जिस भी काम को करना चाहते हो, बहुत टैलेंट है हम लोगों में, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, बस फर्क है कि आपको वो चीज पकड़नी पड़ेगी कि आपको करना क्या है। और अगर आप सोचते हैं, देखिए अगर मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, हम लोग लैकिंग कहाँ पर करते हैं कि हम दूसरों के कहने में आके चीजें कर लेते हैं। एक छोटी सी स्टोरी अगर डॉक्टर साहब आपका परमिशन हो, तो एक बार एक जो देश के अंदर जो है मेंढकों का कंपटीशन हो रहा था, तो हर देश को मेंढक पकड़ के लाने थे और सब देशों का जो है कंपटीशन था कि किसके मेंढक जो है कैसे हैं। तो जब जापान के आए और अमेरिका के आए और दूसरी कंट्री के, तो उनके पॉलिथिन में मेंढक बंद थे और वो बहुत तेज तेज उछल रहे थे, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे 8-10 कंट्री के थे, सबका बोरी का जो मुंह था वो बंद था। लेकिन जो है इंडियन, या जो अपना आप मैं कहता हूँ अपने समाज से जोड़ता हूँ इसके, तो जी जब वो बोरी आई तो वो खुली हुई थी लेकिन एक भी मेंढक बाहर नहीं निकल रहा था। तो पूछा गया कि भाई सब मेंढकों का मुंह बंद है बोरी का, उसके बावजूद जो है लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं निकल रहा। कहते साहब ये इंडियन मेंढक है, जब एक निकलता है दूसरा उसकी टांग पकड़ के खींच लेता है। तो ये जो परंपरा है ना, ये जब तक हम यूनिटी लेके नहीं आएंगे, अपने लोगों को पॉजिटिव नहीं देंगे, क्योंकि हम अभी आज की डेट में आप मनोती वो नहीं आएगी कभी। मैं तो इस मामले में, आप ये देखिए मेरा तो कुछ काम है ही नहीं, मैं तो जस्ट आई वांट टू पे बैक माय सोसाइटी विद कन्वर्सेशन, इससे ज्यादा कुछ मैं कर भी नहीं रही। इसके बावजूद भी लोगों को ये मतलब इस पे तुले हुए हैं कि मैं ये स्वच्छकार समाज का नाम ही क्यों लग रखा लिखा हुआ है, मैं तो बीजेपी के एजेंट हूँ, मैं फलाऊ हूँ, लेकिन बिलो द बेल्ट जाके मतलब हद है। मतलब मैं तो डॉक्टर साहब मैं समझ सकती हूँ आपकी स्थिति और आप लोगों की जो काम कर रहे हैं समाज में। मैं आपको एक चीज बोलूंगा यहाँ पे, इसके बावजूद भी बहुत मन दुखी होता है, सच बता। नहीं नहीं कुछ दुखी नहीं होना। देखिए जिस पेड़ पे, आम के जो पेड़ पे जब फल लगे होते हैं, पत्थर उसी पे लगते हैं, तो जिन पे फल ही नहीं है तो कहाँ लगेंगे। आपके जैसे लोग जब समाज के लिए कुछ करने आते हैं तो लोग बातें भी बनाएंगे और हर एक के लिए बनाए। और अगर आप बात करें तो भगवान राम को किसी ने नहीं बख्शा, तो हम और आप तो क्या क्या चीज है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम और आप जो काम कर रहे हैं उसे करते रहिए, लकीन बनाते रहेंगे। बहुत पॉजिटिव लोग, आप देखिए कितने लोग आपको सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग, मैं यही वजह है कि मैं हार नहीं मानने वाली, मैं लगातार आप जैसे लोगों से बातचीत करवाती रहूंगी, ताकि समाज का अगर एक भी विद्यार्थी आपकी बात सुन के या मेरे किसी भी गेस्ट की बात सुन के प्रभावित होता है, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा मेरी अचीवमेंट है। बस इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। ओम प्रकाश जी पूछ रहे हैं, मनोज सर आप केवल दिल्ली वालों के लिए काम करते हैं या अन्य स्थानों के लिए भी, कृपया मार्गदर्शन करें। मैं देखिए बताता हूँ, मैं अन्य स्थानों पे ज्यादा काम होता, दिल्ली में कम होता है, मैं ट्रेवलिंग में ही रहता था। और आज आप चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जिस भी सिटी का नाम लेंगे, मैक्सिमम जगह पे नेटवर्क है हमारा और हमारी सप्लाई है प्रोडक्ट की। तो आप कहीं भी रहते हैं, देश के किसी भी कोने में रहते हैं, आपको जब जो मदद चाहिए अपन बिल्कुल रेडी है। और ये जरूरी नहीं है, अभी क्या होता है दिल्ली का सोच के सब लोग कॉल मुझे करते हैं, लेकिन जैसे अभी हरियाणा से कॉल आया, मध्य प्रदेश से कॉल आया, तो फिर हम वो कनेक्ट कर देते हैं वहाँ पे कि भाई ये जो है हमारे प्रेसिडेंट हैं उनसे बात कर लीजिए। जी आपका बहुत कीमती समय मैंने ले लिया, लास्ट सवाल, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और स्वच्छकार समाज के लोगों को आप क्या संदेश देंगे। देखिये मैं आज एक चीज बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है इस लॉकडाउन में, लोगों के हाथ में मोबाइल फोन, फेसबुक, व्हाट्सएप। तो अभी ये टिकटॉक बंद हुआ तो बहुत खुशी भी हुई मेरे को, तो क्योंकि हम लोगों का पेशेंस खत्म हो रहा था, वो एक मिनट ही देखना चाहता है किसी चीज को ना। अभी टीवी पे लिखा आता है एक मिनट का ब्रेक, तो उसमें भी चार चैनल चेंज कर देते हैं हम। तो सबसे पहली चीज है कि अपनी लाइफ में हमको एक तो संगत का, मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ बीच में, सबसे पहले तो अपने से बेहतर लोगों को चूज कीजिए। दो चीजें होती हैं लाइफ में, चांस एंड चॉइस। आपको चांस मिला पढ़ने का, आपने चॉइस क्या किया। आपको रहने का चांस मिला, आपने क्या चॉइस किया। आपको व्यापार करने का चांस मिला, आपने चॉइस क्या किया। आप ट्रेन में जब जाते हैं, स्टेशन में ट्रेन एक ही होती है लेकिन उसमें जनरल बोगी भी होती है, फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी भी होती है। मंजिल तक वो यहाँ से दिल्ली से बॉम्बे जाएगी, लेकिन आपको तय करना है कि उस ट्रेन में कौन सी क्लास में मुझे बैठना है। ऐसी जिंदगी भी एक जर्नी है, जिंदगी में आपको चॉइस करना है,
जब आप ठान लेते हैं, जब ये दो ऊपर वाला माइंड इसमें सेट कर लेते हैं, रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। तो पानी बनिए, पानी जैसे माहौल में जाओ वैसे बन जाइए, क्योंकि रुकता हुआ रुका हुआ पानी सड़ने लगता है, और बहता हुआ पानी जो है वो जिंदगी बना देता है। तो बस रुकना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है। और डिक्की, और मैं पर्सनली बताना चाहूंगा, कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप कभी भी हमसे जो हेल्प लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जितना ज्ञान जो समाज से हमको मिला है वो उसके लिए हम भी मैडम को, मैडम से इंस्पायर हूं मैं, डॉक्टर साहब से, कि जो सोसाइटी को बाउंस हम दे रहे हैं, वापस दे रहे हैं, उसमें अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए तो ये हमारे जो पैदा होने का जो है सफल जीवन माना जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, जय भीम, जय भारत। और डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा, मतलब थैंक यू सो मच, आपने इतने छोटे से टाइम में, 2-3 घंटे में ही आपने समय दिया। मैं छोटी सी एक चीज बताना चाहूंगा। हाँ, प्लीज। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राइटर बनूंगा, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब कुछ काम बिजनेस नहीं मिल रहा था, तो मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, बस में जा रहा हूँ, तो कुछ लिखता रहा, और ये अमेजन के ऊपर मेरी किताब है समृद्धि की तरफ सुनहरे कदम, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो 1 घंटे में बेस्ट सेलर बनी थी। तो ऐसे मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं तारीफ कर रहा हूँ, कि आप जब चाहते हैं तो कुछ भी रास्ते अपने आप मिलते जाते हैं, तारीफ कर लेने चाहिए, हमने मेहनत से हासिल किया है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो तारीफ होनी चाहिए, जो काम करेगा तो तारीफ भी अंदर से खुशी मिलेगी ना। एग्जैक्टली, हम होंगे ना अपने आप से, हाँ हमने कुछ किया है। जी 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 जी, बस मेन यही है कि आप अच्छे से दूसरों के लिए जब काम करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके लिए कोई ना कोई करता है, गिव एंड टेक है। जैसे जैसे बीज बोएंगे आप, अगर बबूल का पेड़ बोएंगे तो बबूल ही निकलेगा, और अगर आम का पेड़ बोएंगे तो आम ही निकलेगा। तो हम जो विचार अपने दिमाग में डालते हैं, जो एनर्जी, आप देखिए, मैं आपको एक क्लोज करता हूँ एक लाइन के साथ, कि हम कैसी एनर्जी के साथ रहते हैं। एनर्जी बोले तो जैसे मान लीजिए हम कभी गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में कहीं जहां भी जाते हैं तो बड़ा सुकून सा मिलता है, बड़ी शांति मिलती है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ, मतलब दुख तकलीफ दूर हो गए। लेकिन घर में आते हैं, घर में भी मंदिर वही है, वही भगवान है जिसको हम मानते हैं, लेकिन वहां पे वो एनर्जी नहीं होती, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के बारे में माहौल में वो एनर्जी नहीं दे पाते। जब आप सामने वाले के बारे में एनर्जी पॉजिटिव दोगे तो आपको भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और जो भी आप बनना चाहते हैं, अपने आप से बात कीजिए, अपना फीडिंग कीजिए, तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो आप दिमाग में सोचेंगे तो वही आपको मिलना है। जी विनय कुमार विनम्र जी, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। थैंक यू विनय जी, आप जुड़े हमारे साथ। संजय सारे जी, सुरेंद्र कुमार सिंह जी, एक एक करोटिया जी कहते हैं, मैडम आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कोई क्या कहता है उसकी परवाह ना करे, समाज आपके साथ है। थैंक यू AS करोटिया जी, आप लोगों की स्नेह, आप लोगों का ये जो विश्वास है, उस विश्वास पे मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी, और इसी विश्वास के साथ मैं कोशिश करती रहूंगी कि हम काम करते रहे। VK प्रभाकर जी, गौरव आर धीगान जी, गुरु प्रसाद जी हम सबको देख रहे थे, बातचीत सुन रहे थे लगातार। ओम प्रकाश जी का बहुत बहुत आभार, आपने बहुत सारे कमेंट के साथ। विनोद वर्मा जी और तमाम लोग जिनको मैं देख पा रही हूँ, आर रजक जी, रविंद्र कुमार यादव जी, मोंटे सिंह जी, दीपक कुशा जी ढाका, सरिता भारत, रूपचंद राम, प्रोमिला सरोय, और भी बहुत सारे लोग जिनका मैं नाम मैं सबका नहीं ले पा रही, मैं उसके लिए माफी भी चाहती हूँ। तमाम दर्शक जो हमारे सुन रहे थे चर्चा को, इतनी महत्वपूर्ण और सार्थक चर्चा आप मनोज जी के साथ आप लोगों ने सुनी, तमाम लोगों का मैं स्वच्छकार समाज की आवाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। और खासकर आज के जो हमारे जो मेहमान तो नहीं कहेंगे, मैं तो भाई कहूंगी, बल्कि सर भी नहीं कहूंगी, औपचारिकता की आवश्यकता हमें नहीं है। आपने जिस तरीके से समाज को आसान भाषा में ये समझाया है कि झाड़ू छोड़ के हम कलम की तरफ बढ़े, बाबा साहब अम्बेडकर का भी यही कहना था कि शिक्षित बनिए, संगठित होइए और संघर्ष करिए और आगे बढ़िए, संसद तक का मार्ग बाबा साहब अम्बेडकर ने तय करवाया था। ठीक उसी तरह अगर आपकी आस्था है वाल्मीकि ऋषि में, उनके हाथों में भी कलम है, तो फिर वाल्मीकि समाज के हाथों में झाड़ू क्यों? इस पर बहुत अच्छे से सोच समझ कर विचार करने की जरूरत है। और आप लोगों का मार्गदर्शक दर्शन और तमाम जो इंडस्ट्री की तरफ जो हमारे लोग जो बढ़ रहे हैं उसकी तरफ चलने की तरफ आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि जरूर बढ़ाएंगे, प्रोफेशनलिज्म की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आज टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से तमाम चीजें आप देखिए, लॉकडाउन के समय में हमें यहाँ बैठे हुए ही पता लगा कि वाल्मीकि समाज की बस्ती को उजाड़ दिया गया है,
तो इसका हम विरोध यहाँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर पा रहे हैं। तो इन चीजों की तरफ भी हमारा समाज आगे बढ़ेगा तो जो जो मुख्य धारा जिसको आप बोलते हैं वही हमारी हमारे से ही मुख्य धारा की शुरुआत होगी। इन शब्दों के साथ सर मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करूंगी तमाम डिक्की का, पूरा जो आंदोलन जो खड़ा किया है पूरे भारत में एक नई धार, जो संसाधनों में बंटवारे के भागीदारी हमारे बहुत बड़े माननीय चिंतक हैं HL दुसाद जी, वो बार बार हमेशा एक ही बात कहते हैं कि संसाधनों में भागीदारी हमारी होनी चाहिए। और मुझे लगता है डिक्की इस काम को बहुत बखूबी कर रहा है। इंडस्ट्री के माध्यम से आप सिर्फ नौकरी के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि नौकरी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, सरकारें आती हैं नीतियां बदल देती हैं, रिजर्वेशन खत्म होने के कगार पे है। ऐसे में अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जुड़ पाए या आगे आप नहीं बढ़ पा रहे, उन पेशों को छोड़ के आगे एकदम नहीं बढ़ा पा रहे, तो कहीं ना कहीं हम फिर पीछे छूट जाएंगे जो सदियों से छूटते आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ साथ तमाम दर्शकों की तरफ से मैं सर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, जय भीम। और आप सब तमाम दर्शक कल इसी समय हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे 7 बजे। प्रोफेसर जयकिशन होंगे हमारे साथ हिंदी विभाग के प्रोफेसर उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से, आप चर्चा में उनके साथ भागीदारी करेंगे। आपका ये स्नेह आपका ये साथ हमारे साथ बना रहेगा। स्वच्छकार समाज की आवाज ऐसे ही आप सबकी आवाज के साथ मिलकर आवाज उठाता रहेगा। जय भीम सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।